अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान नायला भट्टी। शामिल करेंगे आज की इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं कराची से। फराज अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सच्चल पुलिस SHO औरंगजेब खट्टक और उनकी टीम हेड कांस्टेबल नवाब जखरानी, सुल्तान चांडियो, मौला बख्श की बेहतरीन और कामयाब कार्रवाई। सच्चल पुलिस ने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए जेब काटने वाले और असलहे के जोर पर डकैती करने वाले रिक्शा गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। सच्चल पुलिस ने मेन सुपर हाईवे नल सच्चल मोड़ पर कार्रवाई करते हुए जेब काटने वाले गरोह के सरगना मुलजिम अब्दुल करीम वल्द गुलाम शब्बीर, दीगर 2 साथी सिकंदर अब्दुल रशीद रब नवाज वल्द लाल डिनू को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान से 3 अदद 30 बोर पिस्तौल, 8 रोंद लोड मैगजीन बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान रिक्शा नंबर D19-15085 सवारियों को बिठा कर उनकी जेबें काटते हैं और पिस्तौल के जोर पर लूट मार करते हैं। गिरफ्तार मुलजिमान इससे पहले भी मुख्तलिफ थानाजात के मुतद्दद मुकदमात में बंद हो चुके हैं। मुलजिमान ने दौरान इंटरोगेशन थाना सच्चल, थाना साइड, सुपर हाईवे, थाना गुलस्तान, जौहर थाना, शाहरा फैसल, थाना गुलशन इकबाल में कई वारदातों का इंकशाफ किया है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश SIU थाना सच्चल के सपुर्द की गई।